अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये लड़की अपने प्रेमी के उन वादों को याद कर रही है जो उसने इस लड़की से किए थे। ये प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ बिताए उन लम्हों को याद कर रो रही है जो इसने उसके साथ गुजारे थे। वो रो रही है, तड़प रही है उसकी याद में और सोच रही है कि आखिर कमी कहां रह गई थी जो इसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया। बदहवास हालत में सड़क किनारे मिली एक लड़की, लड़की को प्यार में मिला धोखा, प्रेमी ने 2 साल तक किया शोषण, प्रेमी के घर वालों ने लड़की के साथ की मारपीट। दरअसल ये लड़की अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकली है। उसने तो मौत को गले लगाने की बिल्कुल ठान ही ली थी, उसने तो मौत को गले लगा भी लिया था क्योंकि उसे मिला था प्यार में धोखा। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ये लड़की समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके की रहने वाली है, लेकिन लड़की को वैशाली जिले के बली गांव थाना इलाके के चिकनोटा गांव से बरामद किया गया है। लड़की का आरोप है कि वो चिकनोटा गांव के अमन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। अमन से उसकी मुलाकात एक शादी के दौरान हुई थी। लड़की दिलोजान से पूरी वफा के साथ अमन से मोहब्बत करने लगी। आरोप है कि अमन ने उसका शारीरिक शोषण भी किया, लेकिन जब लड़की ने अमन से शादी करने को कहा तो वो कटने लगा। मेरे प्रेमी का परिवार ने हमको जान से मारने का कोशिश, उसने हमें मारपीट के घर से निकाल दिया। और क्या सब हुआ तुम्हारे साथ? हमारे इज्जत के साथ और जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मेरे साथ टाइम वेस्ट करते, मिलने के लिए आते थे स्कूल में, आते थे मिलने के लिए, घर पे आते थे। उसका मौसी का घर भी है तो वो भी बहाने आ जाते थे घूमने आ के, ऐसे आते थे जाते थे मिलने मिलते। उससे कब? लड़की ने कई बार अमन से शादी की बात की, लेकिन वो उससे दूरियां बनाने लगा और आखिर में लड़की प्रेमी अमन के घर पहुंच गई, जहां अमन के परिजनों ने लड़की के साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया। इसके बाद प्रेमिका ने जहर खा लिया और बदहवास हालत में चिकनोटा गांव के पास सड़क किनारे मिली। पहले उससे हमको कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर वो हम वो रिश्ता नहीं मानते थे, पर वो मानते थे, बात उठ करते थे ना, हम जानते थे ना, लेकिन वो हम प्यार के बारे में उसका संबंध था, वो हम कहते थे कि नहीं ऐसे दोस्त की तरह, लेकिन वो हमसे प्यार वार के बारे में वो आने लगे ऐसे। उसके बाद हमसे कांटेक्ट करके बात किया, मोबाइल उबाइल दिए बात उठ करने के लिए। आज क्या हुआ? नहीं ले रहा था जबरदस्ती, हमें धोखा मार के अब भाग गए, तो सारी ने कि यहाँ ला करके छोड़ दिए, पासा मार के निकल जाते हैं। जैसे ही लड़की के सड़क किनारे पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने लड़की को समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और पीड़ित लड़की के बयान दर्ज कर बलीगांव थाने को भेजा गया। मामला प्रेम प्रसंग का है और इसके प्रेमी के परिवार वालों ने मारपीट करके घर से भगा दिया और शायद कोई नशीला पदार्थ किया दिया जिससे बेहोश हो गई और बीमार पड़ गई। बलीगांव के पुलिस ने इसे उठाकर सदर अस्पताल जहां इसकी इलाज चल रहा है। प्यार में धोखा मिलने पर वो लड़की पूरी तरह से टूट गई है, वो जीना नहीं चाहती, मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब उसे न्याय की उम्मीद जागी है। देखना होगा कि पुलिस मामले में
क्या कार्रवाई करती है और कब तक लड़की को न्याय मिलता है। गुना के लिए समस्तीपुर से सुमन मिश्रा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।